केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मेवाड़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर अब सियासी गलियारों में नई अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान अमित शाह वसुंधरा राजे से हाथ जोड़ते हुए कुछ कहते नजर आए। वसुंधरा ने अमित शाह का अभिवादन किया और मंच से सभा को संबोधित किया और जमकर गहलोत सरकार को कोसा। इसके तुरंत बाद शाह ने राठौर को वसुंधरा का भाषण कराने के लिए बोला, जिस पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दौड़कर राठौर के पास पहुंचे और अमित शाह का संदेश दिया। तभी अचानक अमित शाह ने वसुंधरा राजे की ओर इशारा उन्हें बोलने के लिए कहा। दरअसल अमित शाह एक सभा को संबोधित करने उदयपुर पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अमित शाह को भाषण के लिए बुलाया, तो इस दौरान राठौड़ ने मंच से अमित शाह के स्वागत के लिए नारे भी लगवा दिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की वापसी के संकेत मिले हैं। बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे पर सीएम फेस के लिए दांव खेल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में हुई रैली में वसुंधरा राजे के भाषण नहीं होने पर टोका और खुद से पहले बोलने का मौका दिया। सियासी जानकार अमित शाह द्वारा वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान जग जाहिर है। राजस्थान में वसुंधरा विरोधी धड़ा मुख्यमंत्री चेहरे का विरोध कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहते हैं। वसुंधरा राजे समर्थक इसे कटाक्ष के तौर पर मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.